हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको ऐसा स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिससे आप इंट्राडे में ही 1000 से 1200 रुपये आराम से कमा सकते हैं, और जिस दिन आपका दिन रहेगा उस दिन आप उससे ज़्यादा भी मुनाफा कर सकते हैं। इस स्ट्रेटेजी की सबसे खासियत बात यह है कि इस स्ट्रेटेजी में लॉस होने का चांसेस बहुत ही कम है। आप बोल रहे होंगे ऐसा क्या है इस स्ट्रेटेजी में, मैं आपको इस स्ट्रेटेजी में बताऊंगा कि आप कैसे करके इसमें से पैसे कमा सकते हैं। आप प्योर इंट्राडे में इस स्ट्रेटेजी से अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो चलिए फटाफट इस स्ट्रेटेजी को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों इस स्ट्रेटेजी के बारे में बात करते हैं। यह इंट्राडे स्ट्रेटेजी यह है कि आपको सिर्फ बैंक निफ्टी में ही फोकस करना है। आपको यह स्ट्रेटेजी है कि आपको सिर्फ बैंक निफ्टी में ही करना है। जैसे कि मान लीजिए बैंक निफ्टी का अभी स्ट्राइक प्राइस चल रहा है 25,000 रुपये, तो आपको क्या करना है, 500 ऊपर का स्ट्राइक लेना है। ऊपर का स्ट्राइक मतलब कॉल हो गया आपका 25,500 का, और नीचे का पुट लेना है आपको 24,500 का। तो आपको 500 ऊपर का स्ट्राइक लेना है, 500 नीचे का स्ट्राइक लेना है, और दोनों स्ट्राइक को आपको सेल करना है। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ बाय नहीं करना है, यहाँ पे आपको सेल करना है। और यहाँ पे एक चीज़ बात और ध्यान देना है कि जैसे कि अगर आपका ऊपर का स्ट्राइक का प्राइस अगर 500 रुपये चलते रहेगा तो नीचे का स्ट्राइक 300 चलते रहेगा, तो ऐसे में आपको उसमें ट्रेड नहीं लेना है। आपको दोनों का स्ट्राइक का प्राइस मैचिंग करना है। जैसे कि ऊपर का स्ट्राइक 300 का है तो नीचे का स्ट्राइक 280, 300, 320, ऐसा आपको मैचिंग करना है। मतलब आसपास का दोनों का प्राइस एकदम सेम रहना है। हमको बैंक निफ्टी के ऑप्शन में ट्रेड करना है कॉल और पुट में। तो आपको ये पता होगा कि हर गुरुवार को एक्सपायरी होता है, तो जैसे जैसे एक्सपायरी होते हैं उसका डेट पास आता है तो उसका वैल्यू कम होना शुरू हो जाता है। यही इस स्ट्रेटजी का खासियत है। मतलब यहाँ प्रीमियम कम होना शुरू हो जाता है। जो चीज़ आपको शुक्रवार को जो स्ट्राइक आपको 500 में मिलता है, वो 2 या 3 दिन के बाद उस स्ट्राइक अगर उसी रेंज में ही ट्रेड करता है तो उसका वैल्यू आपको 100-200 रुपये हो जाता है। और जैसे जैसे समय बीतता जाता है उसका स्ट्रेटेजी में उसका प्राइस कम होते जाता है। तो हमें दोनों साइड से सेल करना है। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, अगर आपका ऑप्शन का अगर बैंक निफ्टी 25,000 चल रहा है, आप ऊपर का 500 का स्ट्राइक लिए हो, नीचे का 500 का स्ट्राइक लिए हो, दोनों को सेल किए हो, तो आपका स्ट्रेटजी में यह काम करेगा। अगर एक साइड ऊपर जाएगा तो इधर से आपका वैल्यू नीचे गिरेगा, अगर उधर से जाएगा तो आपका वैल्यू इधर से आएगा, तो ओवरऑल आपका दोनों में इक्वलिटी ही रहेगा। यहाँ पे हमें लगभग 100 रुपये का स्टॉप लॉस लेना है। जैसे कि ऊपर का स्ट्राइक का प्राइस आपका 300 रुपये चल रहा है तो हमें 400 रुपये का स्टॉप लॉस लेना है, क्योंकि हमने सेल किया है तो बढ़ेगा तो हमें स्टॉप लॉस लेना है। सेम तरह उससे हमें नीचे का भी स्टॉक लॉस, हमको नीचे का भी स्टॉप लॉस लेना है। इस स्ट्रेटजी का सबसे मजबूत पक्ष यही है कि हमें दोनों साइड सेल करना है और दोनों साइड स्टॉप लॉस लगाना है। अगर एक साइड का वैल्यू ऊपर जाएगा तो एक साइड का वैल्यू नीचे जाएगा, अगर एक साइड का वैल्यू नीचे जाएगा तो एक साइड का वैल्यू ऊपर जाएगा, ओवरऑल हम कांस्टेंट में रहेंगे। सबसे मज़े की बात यहीं पे है, आपको तो पता है कि जैसे जैसे मार्केट में समय बीतता जाता है इसमें प्रीमियम कम होता जाता है, खास करके ऑप्शन में कॉल और पुट में पूरे समय का खेल रहता है। जो चीज़ आपको सुबह अगर उसी स्ट्राइक के आसपास भी घूमता रहे तो सुबह आपको जो चीज़ 250 रुपये मिल रहा है शाम होते होते वही चीज़ आपको 200 रुपया, 150 रुपये में मिलेगा। और एक चीज़ बता रहा हूँ, जैसे जैसे आपको मैं पहले ही बताया था कि जैसे ही गुरुवार का समय पास आता है तो उसका वैल्यू और कम होना शुरू हो जाता है, तो गुरुवार के समय इसका रेट और तेज़ी से घटना शुरू हो जाता है। तो हमें ध्यान देना है, हमेशा सेल साइड में रहना है, हमको बाय कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ प्रीमियम खाना है दोनों साइड से। आपको मैं ये भी बता रहा हूँ, किसी किसी दिन आपको दोनों स्ट्राइक से आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा, आपको दोनों स्ट्राइक से वैल्यू घटना शुरू हो जाएगा। इसमें एक चीज़ तो तय है, लॉस होने का इसमें बहुत ही कम चांस है। अब सबसे ध्यान देने वाली बात मैं अब बता रहा हूँ, इस स्ट्रेटजी को हमें कब नहीं अपनाना है। तो जिस दिन बड़ा इवेंट रहता है, जैसे कि कोई RBI का न्यूज़ आता है या बैंकिंग रिलेटेड कुछ इवेंट्स होते हैं, तो उस दिन हमें इस स्ट्रेटजी से बच कर रहना है, क्योंकि उस दिन बैंक निफ्टी में बहुत लंबा लंबा मूव्स आता है। बहुत लंबा लंबा मूव्स आएगा तो आपको आपको पता ही है कि वो भी प्राइस भी बहुत लंबा लंबा जंप करेगा। इसलिए जिस दिन इवेंट्स रहता है उस दिन हमें नहीं करना है इसमें ट्रेड। उस दिन आप चुपचाप बैठ जाइए, उस ट्रेड मत कीजिए, आप इतने ट्रेड करके कमा लेते हैं, एक दो दिन आप उसमें बैठ जाइए। जिस दिन इवेंट्स रहता है उस दिन हमें ट्रेड नहीं लेना है, पहला चीज़ ये। और दूसरा चीज़ यह है कि मैंने तो आपको बताया था कि 500 का स्ट्राइक ऊपर नीचे लेना है, लेकिन जैसे जैसे बुधवार गुरुवार ऐसा नज़दीक आएगा तो उस दिन अगर आप 500 का स्ट्राइक ऊपर नीचे लेंगे तो उस दिन आपको उतना प्राइस नहीं मिलेगा। जैसे कि जो चीज़ सोमवार को आपको 500 मिल रहा था, हो सकता है उस दिन आपको
100 रुपये 50 रुपये मिले तो हमें थोड़ा सा स्ट्राइक कम कर देना है, हमें 300-300 का नीचे का स्ट्राइक लेना है या 200-200 का लेना है, आप अपने हिसाब से इसे देख सकते हैं। मैं और यहाँ पे बता रहा हूँ कि इस स्ट्रेटजी को करने से पहले आप अपने पेन कॉपी में कीजिए, 2 दिन इसे देखिए कि इसमें क्या प्रॉफिट होता है क्या लॉस होता है। मैं इस स्ट्रेटजी को बहुत दिन से देख रहा हूँ, इसमें लॉस के चांस भी एकदम कम है, लॉस का चांस बहुत ही कम है। हमें सिर्फ उसी दिन लॉस होता है जिस दिन बैंक निफ्टी एक तरफ ऊपर भागता है या एकदम नीचे भागता है, बाकी तो आपको पता है कि हमेशा जो भी ट्रेडिंग होते हैं हमेशा जिगजैग पैटर्न में होता है। और इसमें सबसे बड़ा खासियत है प्रीमियम, जैसे जैसे समय जाएगा ऐसे ऐसे आपका प्रीमियम भी कम होना शुरू हो जाता है, इसलिए हमें स्टॉप लॉस के साथ इसमें ट्रेड करना चाहिए। जिस स्टॉप लॉस हिट भी कर देता है तो हमें घबराना नहीं है, क्योंकि आपका एक साइड बैलेंस ही रहेगा, आप ओवरऑल लॉस में नहीं रहोगे, आप अधिकतम दिन आप हमेशा प्रॉफिट में ही रहोगे। बैंक निफ्टी का एक लॉट का साइज 25 का रहता है, अगर आपको 1 रुपये ऊपर जाता है 1 रुपये नीचे जाता है तो आपका 25 रुपये ऊपर नीचे होता है, तो इस हिसाब से आप दोनों साइड के स्ट्राइक को सेल करेंगे तो आपको एंड ऑफ द डे आपको 50 से 60 पॉइंट मिल ही जाता है, तो आपको 1250 से 1500 रुपये आपको एंड ऑफ द डे मिल ही जाता है। बस हमें सुबह 10-10:30 के आसपास मार्केट देख के, मार्केट का ट्रेंड समझ के, स्ट्राइक देख के हमें दोनों साइड सेल करना है और चुपचाप 3:15 तक हमें वेट करना है। हमें इस पोजीशन को घर लेके नहीं जाना है, हमें इंट्राडे स्कोर अप कर देना है, और जिस दिन स्टॉप लॉस लगता है उस दिन हमें चुपचाप बैठ जाना चाहिए, हमें ज़्यादा उसमें उस दिन इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों इस स्ट्रेटजी से आप हर दिन 1000 रुपये से 1500 रुपये कमा सकते हैं। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो कमेंट्स करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।